हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं शादियों वाला उपटन आपके लिए लेकर आई हूं। अगर आपकी शादी होने वाली है, शादी में आप जाने वाले हैं, या वैसे भी आपको अपनी स्किन पे ट्राई करना है, तो ये होममेड उपटन आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ओट्स लिए हैं, ईजिली घर पर मिल जाती हैं ओट्स, और इसका पाउडर ही हमें लेना है। अगर ओट्स आपके पास नहीं है तो आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। तो इसका पाउडर मैंने पीस लिया था क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है और एक्सफोलिएट हमारी स्किन को अच्छे से करते हैं। ओट्स हमारी स्किन पे ब्राइटनेस को भी बढ़ाते हैं। तो एक या दो चम्मच बोल में सबसे पहले हम ओट्स का आटा ले लेंगे, और ये आटा हमारी स्किन की जो डलनेस है उसको दूर करके हमारी स्किन को रिपेयर कर देते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर हो जाता है, और एक दुल्हन के लिए उसके रूप को निखारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा इन्ग्रीडियंट्स हम लेंगे बेसन। बेसन जिंक से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, और एक्सफोलिएट करने के साथ ही हमारी स्किन पे जो डार्क स्पॉट हैं या डेड स्किन है उसको निकाल देता है, ऑयली स्किन को क्योर कर देता है। हमारी स्किन को स्मूथ और शाइनी बनाने में बेसन बहुत गुणकारी है और उपटन में यूज किया जाता है। उसके बाद मैं इसमें लूँगी चंदन पाउडर। चंदन पाउडर में एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी होती है, हमारी स्किन को कसावट लेके आता है, और हमारे चेहरे पे जो कील मुहासे हो जाते हैं उनको भी कम कर देता है। हमारी स्किन को ठंडक भी देगा चंदन पाउडर, और गर्मियों का मौसम वैसे चल रहा है तो चंदन पाउडर आप ज़रूर यूज करें ये उपटन बनाने के साथ। तो उसके बाद हम लेंगे इसमें कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी के बिना उपटन कोई भी अधूरा होता है, और हमारी दादी नानी भी यूज किया करती थी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। तो पिंच ऑफ आप इसमें हल्दी मिला लेंगे, क्योंकि हमारी स्किन पे जो भी अनइवन टोन होता है या पिगमेंटेशन भी है तो उसको रिड्यूस कर देती है, और हमारे चेहरे पे निखार को बढ़ाने में बहुत ही हमारी हेल्प करेगी कस्तूरी हल्दी। तो आपको पिंच ऑफ इसमें कस्तूरी हल्दी ऐड कर लेनी है। अगर आप इसको ग्लोइंग और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने लिया है ये सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने पहले फ्लेम पे हल्का गरम कर लिया था, क्योंकि इसमें फिर से खुशबू नहीं आती है जो सरसों के तेल की आती है। तो आधा चम्मच इसमें सरसों का तेल आप ज़रूर ऐड करेंगे, एंटी बैक्टीरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हमारे चेहरे को मॉइस्चराइजर करने का काम करता है ऑयल। आप चाहो तो देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या कोकोनट ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे कच्चा दूध। आप चाहो तो इसमें दही ऐड कर सकती हैं। अगर आपके चेहरे पे पिंपल हैं या बहुत ज़्यादा डल स्किन है तो कुछ ड्रॉप्स आप इसमें लेमन की भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको दूध के साथ ही प्रिपेयर किया है, तो अच्छे से हमको इसको मिक्स कर लेना है जब तक ये एक थिक पेस्ट बनके रेडी ना हो जाए। जितना हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो सभी इन्ग्रीडियंट्स का जो इफ़ेक्ट है हमारी स्किन पर देखने को मिलेगा। अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है, और एक दुल्हन को एक महीने पहले ही अपनी स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अच्छे से मिक्स करके अपने फेस को आप पानी से धो लेंगे, हाथों पे भी आप इसको ट्राई करेंगे, और अपने फेस पे आपको इसको 20-25 मिनट के लिए अप्लाई करना है। पहले हल्के हाथों से आप मसाज कर सकते हैं, और नेक एरिया पे भी आपको ज़रूर लगाना है ये उपटन। और ये गोल्डन पेस्ट बन के रेडी हो चुका था। तो 20-25 मिनट रखने के बाद आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से धो लेंगे फ्रेंड्स, और ये उपटन हमारी स्किन को घर बैठे ही इतना ग्लोइंग और हेल्दी बनाते हैं। हमें पार्लर से ट्रीटमेंट लेने की या ब्यूटी सैलून जाने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही हेल्दी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही हेल्दी ग्लोइंग टिप्स के साथ आती हूँ। थैंक यू।